राष्ट्रीय विचार मंच अजय मेरू ने CAA के समर्थन में पोस्टर का किया विमोचन। जानकारी देते हुए अधिवक्ता देवेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि CAA कानून को लेकर वैमनस्य फैलाया जा रहा है एवं भाई से भाई को लड़ाने की साजिश की जा रही है। इसी के समर्थन में CAA की जानकारी हेतु आमजन को जागरूक करने के लिए पोस्टर का विमोचन किया गया, जिसे हर पान की दुकान पर चस्पा किया जाएगा और वहां चस्पा किया जाएगा जहां पर आमजन का आवागमन रहता है। समाज में एक जागरूक अधिवक्ता होने के नाते मैंने एक प्रकार का बीड़ा उठाया कि जिस प्रकार से स्वयं हित से प्रेरित कुछ लोग समाज में CAA कानून के नाम पर वैमनस्य पैदा कर रहे हैं और भाई से भाई को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इस प्रकार से कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो CAA के कानून के जो सत्य हैं उनको दूर बताकर भ्रम पैदा कर रहे हैं कि CAA के कानून में अल्पसंख्यकों के विरोध में है। CAA का कानून अल्पसंख्यकों के, तो जो हिंदुस्तान का जाया है, जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, जो हिंदुस्तान का नागरिक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसके लिए CAA कहीं कोई बाधक नहीं है, उसके लिए CAA कहीं कोई रुकावट नहीं है। लेकिन एक अल्पसंख्यकों के बीच में एक इस प्रकार का भाव जागृत करने में कुछ कूटरचित लोग हैं जिनका खुद का अस्तित्व खतरे में है, जो खुद ये सोच रहे हैं कि किस प्रकार से केंद्र सरकार की जो लोकप्रियता है उसको किस प्रकार से धूमिल किया जाए। जहां एक और वो संविधान की बात करते हैं कि CAA से संविधान खतरे में है, तो उन लोगों को ये जानना हो चाहिए कि इस देश की जनता ने, 125 करोड़ की जनता ने संविधान को मतलब आदर्श मानते हुए केंद्र सरकार को चुना है और संविधान से प्रेरित ये सरकार है, तो संविधान के खिलाफ कैसे CAA कानून हो सकता है ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आम जनता को, अल्पसंख्यक भाइयों बहनों को भ्रमित करके, एक भय पैदा करके कि मोदी जी की सरकार ये करेगी, उसको दायित्व मानते हुए एक देश का सच्चा नागरिक होने के नाते मैंने इस प्रकार का एक बीड़ा उठाने की कोशिश करी, जिसके तहत सत्य और भ्रम, CAA कानून के बीच में जो सत्य और जो भ्रम है उसको करें, उसी के तहत एक पोस्टर, जन जागृत पोस्टर हमने छपाया है, जो शहर के विभिन्न होटलों में, शहर पान की दुकानों में, जहां पर भी जनता का आगमन है, अल्पसंख्यक भाइयों का आगमन है, वहां पर उसको पोस्ट किया जाएगा और वहां पर उसको प्रदर्शित किया जाएगा ताकि जन जागृत किया जा सके। देवेंद्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता, अजमेर।